हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट। अगर आपने अभी तक जयेश सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाके जयेश राजगुरु सर्च कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे लगातार इकोनॉमिक से रिलेटेड वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले लेक्चर के अंदर एलिमेंट्री का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, एक कॉइन, टू कॉइन, फिर सिलेक्शन वाला प्रोसेस, फिर परम्यूटेशन वाला प्रोसेस, मतलब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन भी हमने इसके अंदर कवर किया था। देखते अब नया क्या पॉइंट पढ़ने मिल रहा है। इफ पी ऑफ ए, इसे पढ़ा जाएगा, इफ प्रोबेबिलिटी फॉर ए इज 1/4, प्रोबेबिलिटी फॉर बी कॉम्प्लीमेंट, वो जो ऊपर डैश दिख रहा है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दिया है 4/5, एंड इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब अपने को पिछले जैसा सम जैसा नहीं है कि भाई कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस गांव वाले मिल गए, फिर उसमें कितने लोग वो मालूम पड़ा, फिर ए में भाई हेड चाहिए या टेल चाहिए वो मालूम था, फिर ए फाइंड कर सकते थे, यूनियन फाइंड कर सकते, सब फाइंड कर सकते। बट यहाँ पे आपको ए दिया है, बी कॉम्प्लीमेंट दिया है और बाकी सारी चीजें पूछी गई है। तो देखते हैं ये सम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो लिखते, प्रोबेबिलिटी फॉर ए कितना दिया है 1/4, प्रोबेबिलिटी फॉर बी कॉम्प्लीमेंट दिया है कितना 4/5, ये दो ही चीज दिया है। और क्या क्या पूछा है, बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर बी, फिर प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी, इसे एन जो लिखा है इसे इंटरसेक्शन कहते हैं, और इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लीकेशन भी होता है, इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लीकेशन। दो तीन चीजें इसके बारे में चाहिए तो नोट डाउन कर लेना, एन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन, एन इज इक्वल्स टू कॉमन वैल्यू, सिर्फ कॉमन लिखना है, समझ में आ रहा है क्या, समझाइए। प्रोबेबिलिटी फॉर एन मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, प्रोबेबिलिटी फॉर एन मतलब कॉमन वैल्यू, एंड एन को एंड भी कहते हैं, एन को एंड भी कहते हैं। वर्बल फॉर्म में अगर कोई बात करेगा तो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, ए एंड बी भी पढ़ा जाएगा, बात समझ में आया। तो ये एन जो साइन लिखा है उसके वैल्यू दे, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, कॉमन वैल्यू हो सकता है, या तो एंड। सिमिलरली यूनियन कहा गया है, क्या कहा गया है यूनियन, इधर इसको क्या कहा गया है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। यहां पे यू यूनिवर्सल नहीं है, यहां पे यू का मतलब है यूनियन, यूनियन मीन्स ऑल वैल्यूज, यूनियन का मतलब है ऑल वैल्यूज। जैसे यहां पे एंड क्या लिखते हैं कॉमन वैल्यू, बट यहां पे क्या लिखेंगे ऑल द वैल्यू, समझ में आया। यूनियन का मतलब और होता है, जैसे यहां पे इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, यहां पे यूनियन का मतलब और होता है, एंड यूनियन में आप प्लस करते हो, फर्क समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें हैं जो इसका मतलब है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो यू मतलब यूनियन, एंड में मल्टीप्लीकेशन, यहां पे एडिशन होता है, एंड में कॉमन वैल्यू होता है, यूनियन में ऑल वैल्यूज होता है, एंड एंड का मतलब एंड होता है और यू का मतलब और होता है, और मतलब ये या तो वो दोनों चलेगा, इसमें सारे वैल्यूज ऑल द वैल्यूज आएंगे बट इसमें सिर्फ कॉमन वैल्यूज आएगा, बात समझ में आया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फॉर ए यूनियन बी भी पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ए यूनियन बी भी पूछा गया है, क्लियर है क्या, मतलब इतने सारी चीजें पूछी गई। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। मुझे कॉम्प्लीमेंट मालूम है तो कॉम्प्लीमेंट से बी आ सकता है, सर कैसे, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते, तो प्रोबेबिलिटी फॉर बी है तो मैं लिखूंगा 1 - प्रोबेबिलिटी फॉर बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फॉर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो 1 - प्रोबेबिलिटी फॉर बी कर दूंगा, उल्टा कर रहा हूं। तो अगर मुझे ए फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए कैसे मिलेगा, 1 - प्रोबेबिलिटी फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, और अगर मुझे एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो कैसे निकालूंगा, 1 - प्रोबेबिलिटी फॉर ए। लॉजिक समझा, बी मालूम है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मालूम है बी, समझाइए।
क्लियर है क्या? उल्टा करने का, उल्टा करने के लिए क्या यूज करने का, वन माइनस करने का, वन माइनस करो आंसर आ जाएगा। तो इस केस में मुझे अगर बी फाइंड करना तो कॉम्प्लीमेंट का उल्टा करना पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी फॉर बी विल बी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, मालूम है 4/5। अब प्लस या माइनस करने के लिए बेस सेम होना चाहिए, तो बेस सेम होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 - 4/5 प्रोबेबिलिटी फॉर बी इज इक्वल टू 1/5। पहला आंसर आ गया, क्या फाइंड करने का था, प्रोबेबिलिटी फॉर बी आ गया आंसर, समझाइए। अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर बी। अभी मैंने बताया था इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोबेबिलिटी फॉर ए भी मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी मालूम है, बी मालूम है ना, तो चलिए ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी विल बी 1/4 × 1/5। मल्टीप्लाई में बेस देखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो 2/20 विच इज 1/10 प्रोबेबिलिटी फॉर ए, सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे 1/20 ही आएगा, 1/20 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मल्टीप्लाई करना था ना, 1 × 1 ही होगा, क्लियर है यहां तक, समझाइए। चलिए दूसरा वाला भी हो गया, अब यूनियन फाइंड करना है, तो हमेशा याद रखो जब भी आप यूनियन फाइंड करोगे तो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या एग्जॉस्टिव इवेंट है वो देखना पड़ेगा। सर ये क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नाम से आपको समझेगा, म्यूचुअल मतलब साथ में, एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग। जब भी मैं दो इवेंट को साथ में लाऊंगा, जब भी मैं दो इवेंट को साथ में लाऊंगा, मतलब ए और बी को जब मैं साथ में लाऊंगा, तो इनसे पूछूंगा क्या तुम दोनों अलग अलग हो, क्या तुम दोनों अलग अलग हो, साथ में आ गए, म्यूचुअल आ गए, बट एक्सक्लूसिव होना चाहिए, एक्सक्लूसिव मतलब अलग होना चाहिए, समझ में आया। अगर ये दोनों अलग अलग है मतलब इसमें कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं, बात समझा, दोनों अलग है, ए अलग है बी अलग है, कुछ कॉमन है क्या, जब कॉमन नहीं है मतलब इसका आंसर जीरो है, दो इवेंट साथ में आया दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब इसका आंसर क्या है, जीरो है। तो अगर यूनियन फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए यूनियन बी अगर मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कब, जब एग्जॉस्टिव इवेंट होगा, लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, क्योंकि यूनियन में मैंने बताया क्या होता है प्लस, इंटरसेक्शन में क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इंटरसेक्शन में मैंने इतना ही लिखा है बट यूनियन में मैंने लिखा ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो सिर्फ इतना आएगा। सर क्यों, क्योंकि दोनों इवेंट अलग अलग है, दोनों का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो इसका आंसर जीरो ही आएगा ना, तो ए प्लस बी माइनस जीरो करोगे तो नहीं लिखा तो चलेगा ना, इसलिए अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ऐसा लिखना है, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब है कि ए और बी में कुछ ना कुछ तो कॉमन है, जब ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है तो कुछ ना कुछ तो आएगा वैल्यू, जब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा तो दोनों में प्लस करके जो कॉमन है उसको माइनस कर देना, बात समझ में आ गया। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट के टाइम पे और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के टाइम पे आता है, तो आपके लिए मोस्टली ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि अगर एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो स्पेसिफाई करेगा, कुछ नहीं स्पेसिफाई किया है तो अजम्पशन लेंगे कि भाई ए और बी में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, तो उसे हम इंटरसेक्शन बोलेंगे, जैसे इस केस में है 1/20 कॉमन दिख रहा है ना, मतलब इसका आंसर मालूम है अपने को, मतलब ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, समझा क्या बोल रहा हूं। चलिए ठीक है, आ जाता हूं, प्रोबेबिलिटी फॉर ए यूनियन बी फाइंड करना है मुझे, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/5,
बेबी को बेस पसंद आता है, बेस में 20 होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, बेस सेम होगा इधर तो ऊपर भी बराबर है, तो ये आएगा 5 अपॉन 20 प्लस 4 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 20, बेस सेम हो गया तो आएगा 5 प्लस 4 माइनस 1 अपॉन 20, 8 अपॉन 20, 4 2 के टेबल से जाएगा ना, 2 अपॉन 5, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। कंसेप्ट समझ में आ गया, पक्का क्लियर है, कंप्लीट कर। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। फ्रॉम अ वेल शफर्ड पैक ऑफ कार्ड, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, कंडीशन नंबर वन, द फर्स्ट कार्ड इज किंग, अदर इज क्वीन, सेकेंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज किंग कार्ड, थर्ड बोथ कार्ड आर ऑफ सेम कलर। से समझा नहीं क्या बोलना चाह रहा है, तो पहले क्वेश्चन समझते बाद में सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। फ्रॉम अ वेल शफर्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, कार्ड के बारे में बताया कितने कार्ड होते हैं टोटल एक पैक के अंदर, 52 कार्ड होते हैं। वापस आर्यन 4 पे आगे अटक गया तू, तेरा ऐसा ही लगता है, चलिए ठीक है, कितने कार्ड है आर्यन, 52 कार्ड है, कितने कलर के होते, दो कलर के होते, रेड और ब्लैक, और कितने टाइप होते, चार टाइप होते हैं, हार्ट डायमंड क्लब स्पेड, बराबर है, चार टाइप होते हैं, हर एक टाइप में कितने कार्ड होते हैं, 13, एक एस का कार्ड होता है, एक किंग क्वीन और जे, बराबर है, और बाकी नंबर कार्ड होते हैं 2 से 10 तक का, तो ऐसे 13 कार्ड होते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में कार्ड ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दिया था, मतलब पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड होते हैं। अब मुझे क्या करना है, मेरे आंखों पे पट्टी बांध दिया गया है और मुझे बोला गया है भाई इसमें से दो कार्ड निकालो, रूल ये पहला कार्ड निकालोगे तो उसे वापस पैक में नहीं रखने का, वहां पे दिया है देखो विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर ये वर्ड नहीं दिया रहता तो पहला कार्ड निकालता दिखाता पैक में रखता फिर दूसरा कार्ड निकालता फिर दिखाता, तो इसमें क्या होता हर बार मुझे 52 का ही चांसेस मिलता कार्ड सिलेक्ट करने का, लेकिन अभी उसने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहला कार्ड 52 में से सिलेक्ट होगा तो दूसरा कार्ड 51 में से सिलेक्ट होगा। बात समझा क्या, क्लियर है, पक्का क्लियर है, दिमाग में बैठा। देखो क्वेश्चन वापस एक बार रीड करता हूं, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ अ कार्ड, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, क्लियर है, इसका मतलब मुझे कार्ड ड्रॉ करना है, कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं, दो कार्ड, क्लियर, ये तो समझ में आ गया। अब कौन सा कार्ड सिलेक्ट करना है उसके लिए कंडीशन नंबर वन में क्या बोला है, द फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द अदर कार्ड इज क्वीन, चलिए ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर किंग मैं बोलूंगा कि भाई टोटल कितने कार्ड है अपने पास किंग के, चार के, तो किंग के आने के चांसेस कितने, चार, कितने में से, 52 में से, बराबर है, तो ऐसा अगर आपको नहीं समझ आता तो सैंपल स्पेस ले लेता हूं, टोटल 52 कार्ड, एन ऑफ एस कितना आएगा यहां पे, 52 आएगा, एन ऑफ एस 52 होगा ना, ए इज अ इवेंट फॉर किंग कार्ड, देयरफॉर एन ऑफ ए 4 आएगा, अरे ये समझा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर ए क्या आएगा, कितने आदमी थे अपॉन द गांव वाले, 4 अपॉन 52, क्लियर। अब सैंपल स्पेस बदल जाएगा, अब सैंपल स्पेस कितना आएगा, 51, क्योंकि एक कार्ड निकल गया है, अब सैंपल स्पेस कितना, 50 का, प्रोबेबिलिटी फॉर सॉरी सेकेंड, B is a event for queen, queen card, तो B n of B queen card कितने, 4, वो भी 4 ही है ना, queen का भी 4 ही card आएगा ना, probability for B will be कितने आदमी थे upon the गांव वाला, कितने आदमी थे गांव वाले कितने, बट मुझे तो दोनों चाहिए,
ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए। एंड में मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर ए एंड बी। ये कैसे फाइंड करते हो आप? अभी तो आपने किया था प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर बी, बोले तो 4/52 4/51। समझा क्या? चलिए आपके पास तो कैलकुलेटर है ही है, 16/2650। और भी कैंसलेशन कर सकते हो, इधर कैंसिल होगा 4 1 4 13 कैंसल होगा और छोटा कर सकते हो आपको चाहिए तो 4/51 × 13 करो कितना आ रहा है देखो, आपने वो भी लिखा है तो रॉन्ग नहीं है। इधर कैंसिल 13 × 51 करो कितना आ रहा है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 4/663 तो 4/663 तो ये मेरा आंसर आ गया पहले वाले का, ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया क्लियर। सेकेंड पे जाते, दो कार्ड फिर से सिलेक्ट करना है बट अब क्या बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज किंग कार्ड, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। एटलीस्ट वन किंग कार्ड हो सकता है, मुझे कितने कार्ड निकालने के, दो, तो दोनों भी किंग हो सकता है, हाँ या नहीं? टोटल किंग कितने है? चार। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया तो किंग नहीं है दूसरा कार्ड है, सोचो मैं रिवर्स कर रहा हूं कॉम्प्लीमेंट वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल बी कॉम्प्लीमेंट दिया तो बी फाइंड किया था बराबर है, तो अगर मैं बोल रहा हूं बी किंग कार्ड है तो कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, किंग कार्ड छोड़ के बाकी सब रहेगा। बेटर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि बी मेरा एक ऐसा इवेंट है जिसमें सिर्फ किंग कार्ड आ रहा है तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, उसमें किंग कार्ड नहीं आएगा, किंग कार्ड छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। हाँ तो मैं अभी रिवर्स ऑर्डर में कर रहा हूं। सर रिवर्स ऑर्डर क्यों कर रहे, क्योंकि यहां पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा दिया है एटलीस्ट वर्ड से, तो एटलीस्ट में मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक सिलेक्ट होगा कि दो सिलेक्ट होगा, तो मैं इसका रिवर्स करता हूं और रिवर्स करके माइनस कर दूंगा तो वो आंसर आ जाएगा कैसे, तो जरा देखना। एन ऑफ एस पहले तो 52 ही रहेगा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए। ए इज अ इवेंट फॉर नॉट किंग कार्ड, नॉट किंग कार्ड मतलब सर टोटल 52 में चार किंग कार्ड होते हैं, तो अगर 42 में से चार किंग कार्ड को बाजू में निकालो तो बाकी सब उसके अंदर आने वाला है, तो 52 में से चार निकालो कितना बचा, 48। तो आई कैन से प्रोबेबिलिटी फॉर ए सॉरी एन ऑफ ए विल बी 48 कार्ड। जैसे यहां पे किंग लेना था तो किंग सिलेक्ट किया था, अब मैं क्या कह रहा हूं किंग नहीं ले रहा हूं, मैं किंग छोड़ के बाकी सब कार्ड सिलेक्ट करूंगा, तो इधर कितना आएगा 48 आएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस बोले तो 48/52 पहला हो गया, एक कार्ड निकल गया दूसरा कार्ड, तो इधर एन ऑफ एस कितना आएगा अब 51, हाँ या नहीं? बी इज अ इवेंट फॉर नॉट किंग कार्ड, वापस से सर वापस क्यों, क्योंकि अपने को किंग कार्ड ही चाहिए ना, तो किंग उसका आंसर है तो उसका ऑपोजिट लेंगे, तो अब यहां पे कितना आएगा जरा बताओ, 47 क्यों, क्योंकि 48 में से एक तो हमने पहले निकाल लिया, टोटल 48 था उसमें से भाई इधर एक सिलेक्ट हो गया तो 47 बचेगा। हाँ प्रोबेबिलिटी फॉर बी कितना आएगा, 47/51, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा दैट इज प्रोबेबिलिटी फॉर ए एंड बी will be probability of A into probability for B that is 48/52 × 47/51। cancellation कर सकते मेरे हिसाब से 4 1 4 2 4 2 sorry 4 1 4 3 बराबर है ना, और cancellation 3 के table में cancel हो जाएगा 3 4 3 1 3 दो बच जाएगा 3 7 और कैंसिलेशन तो मेरे हिसाब से नहीं है, तो मैं 4 × 47 कर दो कितना आता है, 4 × 47 188 और 13 × 17 करो 13 × 17 221। तो ये जो आंसर आया
ये किस चीज का आया? किंग कार्ड का नहीं है, ये किंग कार्ड का है क्या? नहीं, मुझे क्या चाहिए? किंग कार्ड चाहिए, एटलीस्ट वन। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी फॉर, अभी ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उल्टा करना है ना, ये ए एंड बी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे करूंगा? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज वन माइनस 188 अपॉन 221। बेबी को बेस पसंद आना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 221 माइनस 188 अपॉन 221, 33 अपॉन 221 प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया लॉजिक? एटलीस्ट के टाइम पे मैंने क्या लॉजिक अप्लाई किया, समझाइए। हाँ, पक्का समझा है, 100% समझा है। चलो इतना कंप्लीट करो, फिर थर्ड पार्ट पे जाते। देखिए थर्ड क्या बोला है, बोथ कार्ड आर ऑफ सेम कलर। अभी इधर कंफ्यूज कर दिया आपने, बोथ कार्ड आर ऑफ सेम कलर। तो सर अपने पास तो दो कलर के कार्ड है, रेड कलर का भी है और ब्लैक का भी। इसने बोला नहीं कौन सा कलर चाहिए, खाली बोला है सेम कलर। मतलब या तो वो रेड कलर हो सकता है और ब्लू हो सकता है। मतलब यहां पे दो कंडीशन अप्लाई होगा, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। अगर रेड है तो रेड के दोनों कार्ड होंगे, ब्लैक है तो ब्लैक के दोनों कार्ड होंगे। जैसे आपने किंग का कार्ड और क्वीन का कार्ड लिया था, वही कंसेप्ट इधर अप्लाई करेंगे। और बाद में दोनों के बीच में एक साइन यूज करेंगे, वो है और का, और मतलब यूनियन का। लॉजिक समझा? हाँ, चलिए देखते कैसे। पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि वो रेड कार्ड है, रेड के लिए सेम कलर चाहिए, कितने कार्ड चाहिए? दो। तो पहले तो सैंपल स्पेस कितना रहेगा? 52 रहेगा। अब एक कार्ड सिलेक्ट करना, ए इज अ इवेंट फॉर रेड कार्ड, देयरफॉर अब डायरेक्ट लिख रहा हूं एन ऑफ ए इज इक्वल टू 26, बराबर है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर ए विल बी 26 अपॉन 52। एक पार्ट हुआ, ये फर्स्ट कार्ड हुआ। तो सेकेंड कार्ड के लिए पॉसिबिलिटीज कितना बचेगा? इधर से एक कम होगा और इधर से भी एक कम होएगा, है नहीं? तो यहां पे आएगा बी इज अ इवेंट फॉर रेड कार्ड वापस, बराबर है, क्योंकि रेडी चाहिए ना, अपने को सेम कलर चाहिए। तो एन ऑफ बी विल बी 25, 26 था तो अभी 25 होगा। प्रोबेबिलिटी फॉर बी विल बी 25 अपॉन 51, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर बी, बोले तो 26 अपॉन 52 इंटू 25 अपॉन 51। अगर इतना बोला रहता रेड कार्ड तो ये आंसर आ गया, बट और क्योंकि सेम कलर में रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, कलर तो उसने बोला नहीं अपने को। अगर बोला रहता रेड कलर का चाहिए तो भाई ये आंसर आ गया, लेकिन कलर स्पेसिफाई नहीं किया, तो ब्लैक के लिए भी करेंगे। तो ब्लैक के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा, एन ऑफ एस पहले तो 52 ही होगा, क्लियर है। देयरफॉर अभी यहां पे सी इज अ इवेंट फॉर ब्लैक कार्ड, ठीक है, देयर एन ऑफ सी विल बी 26, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर सी विल बी 26 अपॉन 52, क्लियर हो गया। अब डी इज अ इवेंट फॉर ब्लैक कार्ड, therefore n of d is equal to 25 upon 51, 25 ना पहले तो बाद में probability ना, probability for d is equal to n of d upon n of s, बोले तो 25 upon 51, क्योंकि यहां पे s का value तो 51 आने वाला है। ये आपका equation number 4 हो गया, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। अब अगर ब्लैक होता तो प्रोबेबिलिटी फॉर सी
एंड डी वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, बोले तो 26 अपॉन 52, 25 अपॉन 51। समझाइए, चलिए इधर सॉल्व करते देखते क्या है। 26 वन जा 26 टू जा 52, होता है ना कैंसर। 26 के टेबल में 52 आता है ना, टू जा ही होता है ना, डबल होता है इसका, तो इधर भी सेम हो जाएगा। और कुछ कैंसल हो रहा है नहीं, तो 25 अपॉन 102 एक पार्ट का आंसर आया, इधर भी सेम ही आएगा 25 अपॉन 102। अरे समझाइए, चलिए ठीक है, बट मुझे क्या फाइंड करना है, सेम कलर और का मतलब, और ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्यों, क्योंकि ये रेड है और ये ब्लैक है, कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं। तो आई कैन से प्रोबेबिलिटी फॉर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी नहीं बोल सकते, आप इसको रेड दे दो और इसे ब्लैक दे दो, तो आई कैन से प्रोबेबिलिटी फॉर रेड यूनियन ब्लैक विल बी प्रोबेबिलिटी फॉर रेड प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक। अब प्लस क्यों हुआ, और का साइन मतलब प्लस है ना, चलिए ठीक है, तो इसका आंसर है 25 अपॉन 102 प्लस 25 अपॉन 102, प्लस करने के लिए बेस सेम होना चाहिए, 50 अपॉन 102 बराबर है। आरिन होता है ऐसा मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल करते हैं, देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 5 10 जा 5 2 जा ने पॉइंट में आ जाएगा, तो जरूरत नहीं है, अगर कर सकते तो कैंसिल करो, नहीं तो मैं इसको इतने में छोड़ देता हूँ, 50 अपॉन 102 2 के टेबल से कैंसिल होगा, अगर ज्यादा से देखना है तो 2 2 जा 4 बैलेंस 1 2 5 जा 2 5 जा 10 2 1 जा 25 अपॉन 51 आंसर आ सकता है, अगर 2 के टेबल से कैंसिल करोगे तो ये आपका आंसर आ गया फॉर रेड और ब्लैक का सेम कलर के का। क्लियर हुआ क्या, कंप्लीट करो, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या दिया है। अ बॉक्स कंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड एंड 4 बॉल्स, कलर नहीं लिखा है क्या उधर, इट इज अ ब्लू कलर, आ ब्लू कलर बॉल्स, 5 रेड है और 4 ब्लू बॉल्स है, अभी वो बॉल्स लिखा है वहां पे ब्लू कलर है। एंड अनदर बॉक्स कंटेन 7 रेड एंड 7 ब्लू बॉल, सॉरी 4 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स, कलर लिखा है पहले वाले में, हाँ वो उसमें नहीं, स्टार्ट में नहीं लिखा है ना। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड एंड 4 बॉल्स जो लिखा है वो बॉल्स ब्लू कलर के, ठीक है, दैट इज 4 ब्लू। और अनदर बॉक्स कंटेन 7 रेड एंड सॉरी 4 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स, अ बॉल इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स विदाउट नोटिंग द कलर पुट इन टू द अदर, a ball is then drawn from the box second box, what is the probability that it is a blue ball, sir samjha nahi question kya hai, example le dao, zara dhyan se suna, do boxes hai mere paas, box number 1 box number 2, pehla box hai iske andar 5 red ball hai aur 4 blue balls hai, theek hai, ek aur box hai mere paas box number 2, इसके अंदर 4 रेड और 7 ब्लू बॉल्स है, ठीक है, मैंने एक लड़के को इधर बुलाया रैंडमली, उसके आंख पे पट्टी बांध दिया और उसको बोला पहले बॉक्स में जा एक बॉल निकाल, ठीक है, देखना नहीं है उसे, दूसरे बॉक्स में डाल दे, ठीक है, दूसरे बॉक्स में डाल दिया, अब बॉल सिलेक्ट कर और वो जो बॉल होना चाहिए वो ब्लू होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन, समझ में आ गया, क्लियर, मतलब पहले बॉक्स से एक बॉल सिलेक्ट करना है, उसे दूसरे बॉक्स में डाल देना है, फिर दूसरे बॉक्स से बॉल निकालना और वो कौन कहाँ होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, बस ये आपका क्वेश्चन। तो अगर अजम्पशन ले रहा हूं, दो अजम्पशन हो सकता है, कि मैंने जो बॉल पहली बार में सिलेक्ट किया है वो रेड कलर का है, अजम्पशन लिया है क्योंकि मेरे को देखना नहीं है, तो मैंने बॉक्स कौन सा कलर है रेड, ऐसा अजम्पशन है, अब रेड को इसमें डाल दिया मैंने, बराबर है, अब रेड को इसमें डाला, इसमें सिलेक्ट कर लिया और ये क्या आएगा, ब्लू आएगा, ऐसा असम्पशन, क्लियर है, एक ऐसा हो सकता है, दूसरा वो ब्लू कलर का बॉल है देखा नहीं है, इसी में रख दिया, सिलेक्ट किया, इधर ब्लू ही आने वाला है,
क्योंकि क्वेश्चन में ब्लू ही चाहिए उसको, तो थोड़ा सा भी दिमाग क्या लगा भाई, अगर मैंने रेड बॉल सिलेक्ट किया तो वो इसके अंदर डाल दिया है तो रेड के साथ मिक्स हो जाएगा ना, तो रेड पहले चार था, एक आएगा तो ये कितना आ जाएगा, पांच। अगर ब्लू सिलेक्ट किया है तो ब्लू में ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अरे बात समझा, चलिए ठीक है। तो अज्यूम करता हूं इफ सिलेक्टेड इज रेड, तो रेड बॉल सिलेक्ट करने के लिए इस बॉक्स में कितने चांसेस है, पांच, क्योंकि रेड होने के चांसेस पांच है ना, तो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल विल बी 5 out of 9। ये समझा। अब ये बॉल को मैंने किधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, इधर, हाँ इधर आ गया। अब इसके अंदर बॉल डाल दिया मैंने, बट इधर मुझे कौन सा बॉल सिलेक्ट करने का, ब्लू, बराबर है, ब्लू की पॉसिबिलिटी तो सात ही है, एंड ब्लू की पॉसिबिलिटीज कितनी है, सात, लेकिन इसमें बॉल कितने है? देखो 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 देखो, सात और पांच हो गया था ना इधर, तो 12 हो गए, क्योंकि एक बॉल मैंने इसके अंदर रख दिया ना, मैंने क्या किया, रेड बॉल उधर से सिलेक्ट किया, रेड इधर डाल दिया, तो इधर रेड कितने हो गए, अभी पांच हो गए, पांच रेड है और सात ब्लू है, तो टोटल 12 बॉल्स है इसमें से, उसमें से मेरे को एक ही ब्लू ही सिलेक्ट करने का है, तो ब्लू सिलेक्ट करने के पॉसिबिलिटीज कितने, 7, कितने में से, 12 में से, तो यहां पे आएगा 7 out of 12। कंडीशन नंबर 1, इफ रेड बॉल इज सिलेक्टेड, अभी मैं इसको कंडीशन इधर दे देता हूं, ए आर ने लिख रहा हूं, इफ द बॉल सिलेक्टेड इज रेड, तो पहले बॉक्स में से रेड सिलेक्ट हुआ, उसे दूसरे बॉक्स में डाल दिया और दूसरे बॉक्स में तो ब्लू ही सिलेक्ट करने का है, तो ब्लू सिलेक्ट करने के चांसेस कितने हैं, 7, कितने में से, 12 बॉल में से। कंडीशन 1 समझ में आ गया। कंडीशन नंबर 2, इफ ब्लू बॉल इज सिलेक्टेड पहले बॉक्स में से, तो पहले बॉक्स में ब्लू के चांसेस कितने, 4, कितने में से, 9 बॉल्स में से, आया नहीं, तो प्रोबेबिलिटी फॉर बी विल बी 4 out of 9, हाँ इनटू, अब ये बॉल को इसमें रख दिया, कौन सा बॉल था, ब्लू, ब्लू को ब्लू में ऐड करें तो ब्लू अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 कौन से, रेड है, तो अब 8 बॉल में से कितने, 12, 8 ब्लू बॉल है और पॉसिबिलिटी टोटल कितनी है, 12, कैसे, 8 और 4 12 होने वाला ना। कंडीशन नंबर 2, अरे समझा, समझ में आया, अब अपने को क्या चाहिए, एंड ब्लू ही चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये और ये, दिस कैन हैपन और दिस कैन हैपन, जो मैंने सिलेक्ट किया वो रेड हो सकता है, जो मैंने सिलेक्ट किया वो ब्लू हो सकता है फर्स्ट बॉक्स में से, तो इनके बीच में यूनियन है और है, मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर ए प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर बी, तो 5/9 इंटू 7/12 प्लस 4/9 इंटू 8/12। अरे समझाइए, कैंसिलेशन करते देखते कुछ कैंसिल अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो यहां पे तो हो रहा है, 4 1 जा 4 3 जा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो यहां पे आ जाएगा 35/48, 5 7 जा 35, 4 12 जा 48 प्लस यहां पे 8/ यहां पे 9 था, 9 3 जा 27, फिर बेबी को बेस पसंद करवाने का है, डिनोमिनेटर इक्वल करना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो भी तुमको आंसर आएगा वो लिख दो, कैसे, तो बेस सेम करना पड़ेगा, 27 48, कैलकुलेटर आपके पास, हाँ बोलना बेटा, यहाँ पे 9 है ना, यहाँ पे यस, तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, 108 आ जाएगा, क्या बात है, वेरी गुड आर्यन, आज तुमने राइट आंसर दिया है, क्लियर है यहां तक, समझा आप लोग को, क्लियर है। अब इधर क्या करना है, तो बेस सेम करना पड़ेगा, 2700 से मल्टीप्लाई करिए, फिर ऊपर प्लस करो, बेस में सेम लिख दिया, क्लियर हुआ कंसेप्ट पक्का। तो आई होप आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।